नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी का टाइम वापस देखा जाए तो दोस्तों यस बैंक के शेयरों में काफ़ी बढ़िया तेज़ी नज़र आ रही है। जिस प्रकार हम लोग दोस्तों लास्ट एनालिसिस पर बात कर रहे थे कि यस बैंक के शेयरों में काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है, और आज के सेशन में वही देखने को मिला है। तो दोस्तों सवाल ये देखने को मिला कि क्वार्टर फोर पहले कितनी जंप नज़र आ सकती है, और क्वार्टर फोर रिजल्ट के रिजल्ट में दोस्तों प्रॉफिट कितना देखने को मिल सकता है, तो वो भी जानने वाले हैं। चार्ट पैटर्न अभी के टाइम किस प्रकार का नजर आ रहा है, तो टेक्निकली और फंडामेंटली भी एनालिसिस करने वाले हैं। प्राइस के रूप में अगर जाने तो दोस्तों 23.85 रुपये की एक अच्छी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नजर आई है, क्योंकि 24.20 रुपये तक आज के सेशन में बढ़िया जंप भी हम लोगों को नजर आई थी। अब लगातार दोस्तों यस बैंक के शेयरों में पिछले टाइम दोस्तों गिरावट नजर आई थी, पर अभी के टाइम देखा जाए तो काफी बढ़िया रिवर्सल नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों 26.20 रुपये से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर लगभग दोस्तों 20.95 रुपये तक ऑलरेडी आंकड़े जो थे वो गिर चुका था, पर अभी टाइम काफ़ी बढ़िया वापस जो है पॉजिटिव रिवर्सल नज़र आया है। और जिस प्रकार अभी टाइम डेटा हम लोगों को नज़र आ रहा है कि लगातार जो जंप है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रैली के तौर पर आगे चलकर भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम अगर हम बात करें सिंगल 6 महीने की, तो सिंगल 6 महीने में दोस्तों 36.68% की जो रिटर्न है वो अभी भी बरकरार नज़र आ रही है। जो गिरावट अब तक इस स्टॉक में हो चुकी है उसके बावजूद भी दोस्तों अभी टाइम लगभग जो है 24% की गिरावट हो चुकी है, पर अभी के टाइम दोस्तों जो गिरावट के पहले अगर हम रिटर्न्स पर अगर हम नजर डालें तो लगभग दोस्तों 80% का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो यस बैंक ने दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे HDFC बैंक की हिस्सेदारी 9% HDFC बैंक ने दोस्तों यस बैंक की 9% की हिस्सेदारी ली, उसके बाद दोस्तों यस बैंक के शेयरों में काफ़ी बढ़िया उछाल नजर आया था। जिस प्रकार लास्ट टाइम देखने को मिला कि दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दोस्तों यस बैंक के साथ दोस्तों अधिग्रहण हुआ, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक लगातार जो है पॉजिटिव खबरें जो है कंपनी जो यस बैंक में देखने को नजर आई। पर अभी के टाइम देखा जाए तो यस बैंक का फ्यूचर क्या होगा, तो यस बैंक का फ्यूचर दोस्तों एक ब्राइट फ्यूचर के तौर पर नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम प्राइवेट इंडिया का नंबर वन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर देखने को मिल रहा है, और अभी के टाइम लगातार जो है फाइनेंशियली के तौर पर अगर देखा जाए तो अब सबसे बड़ी जो नेगेटिव डेटा इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है कि यस बैंक के ऊपर जो कर्ज है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 2,95,136 करोड़ का। पर जिस प्रकार दोस्तों यस बैंक का मार्केट कैप काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और लगातार मार्केट कैप में इजाफा होना ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव बातें बन सकती है, क्योंकि 32.85 रुपये तक हम लोगों को इस स्टॉक की जो रैली थी वो भी हम लोगों को लास्ट 6 महीने के अंदर देखने को नजर आई, जो लगभग 9 फरवरी को देखने को मिली थी। तो अभी के टाइम मेरा तो पर्सनल सजेशन आप लोगों को यही रहने वाला है कि यस बैंक के शेयर जिस भी शेयर होल्डर्स के पास हैं तो वो जितना हो सके दोस्तों मिड टर्म के लिए एक अच्छी होल्डिंग बनाने का जो गोल्डन चांस है वो अभी भी दोस्तों बरकरार रहने वाला है। रही बात दोस्तों क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स की और आउटलुक्स की, तो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट में दोस्तों यस बैंक को जो प्रॉफिट बनने वाला है वो मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगभग 300 करोड़ प्लस देखने को मिल सकता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि टारगेट की अगर बात की जाए तो लगभग दोस्तों 40 रुपये से लेकर 45 रुपये के बीच का जो टारगेट है वो यहाँ पे हिट होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार लगातार यस बैंक के दोस्तों आंकड़ों में सुधार नजर आया अपने आप में ये काफ़ी बढ़िया बात रहेगी। और अगर यस बैंक का फ्यूचर में अगर दोस्तों टोटल कर्ज अगर खत्म होता है तो दोस्तों यस बैंक हम लोगों को डिविडेंड भी पे आउट फ्यूचर में कर सकता है, क्योंकि अभी टाइम दोस्तों लास्ट टाइम जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अधिग्रहण करने के बाद इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग जंप भी देखने को नजर आया था, तो फिलहाल पेशेंस बनाए रख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। पर दोस्तों अभी के टाइम जो सबसे बड़ी जो शेयर होल्डर्स गलती जो दोहराते हुए नजर आ रही है कि मार्केट में दोस्तों बड़ी सेलिंग ऑर्डर लगा रहे हैं। 15,66,484 शेयर आज के सिंगल सेशन पर सेलिंग ऑर्डर लगी है, पर दोस्तों उससे विपरीत मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूं कि वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 2,612 लाख की वॉल्यूम नजर आई है, 622 करोड़ की वैल्यू नजर आई है। अब इस बीच होल्डिंग जो देखने को मिल रही है मार्केट में 5,47,52,580 शेयर आज के सिंगल सेशन में होल्ड देखने को नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट में अभी के टाइम काफ़ी पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को पता है कि आगे के जो फ्यूचर है यस बैंक का वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखने को और पॉजिटिव फ्यूचर देखने को नजर आएगा। पर अभी के टाइम बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों जो लगातार जो सुधार के तौर पर डेटा मिलना और लगातार बढ़िया जंप मिलना ये अपने आप में एक सुधार बन सकता है, क्योंकि भारतीय बाजार जो क्रेज हम लोगों को मिल रहे थे तो उनमें भी बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है और जंप काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो जितना हो सके दोस्तों पेशेंस के साथ यस बैंक के शेयर होल्डर्स को इस स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए, मिड टर्म के लिए होल्डिंग अगर बनाते हैं तो
दोस्तों, इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा देखने को मिल सकता है। क्वार्टर फोर का टारगेट मैंने आप लोग को सजेस्ट कर दिया, अपना टारगेट क्या है वो भी कमेंट में बताना। फिलहाल कंपनी का जो येस बैंक है दोस्तों, जो टॉप प्राइस देखने को मिलती है पिछले वन ईयर की, वो 32 रुपये 85 पैसे देखने को मिल रही है, और अभी टाइम अपर बैंड दोस्तों 28 रुपये 5 पैसे का देखने को मिलता है, और लोअर बैंड की अगर बात की जाए तो 18 रुपये 75 पैसे, प्राइस बैंड 20 रुपये का टोटल कंपेरिजन नजर आने वाला है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।